जम जाती हो किधर कि तेरा आशिक है इधर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रेहान और मैं हूँ साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक आशिक सॉन्ग पर, जो कि है खेसारी लाल यादव का। भैया ये अरमानिया में शूट हुआ है ना, अरमानिया में या कहीं और, भाई कंफर्म कर देना, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ शायद, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ। ये सॉन्ग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, विदेश में शूट हुआ है, इसका टीज़र पे हमने रिएक्शन दिया था, आप लोगों ने कहा था इस पर ज़रूर रिएक्शन दिया, सबसे ज़्यादा लाइक भी आपने इसी सॉन्ग को किया था। मैंने एक पोल भी डाला था कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो आपने नाम लिया था आशिक का, तो हमने आशिक पे रिएक्शन देने का सोचा है कि हम आशिक पे रिएक्शन देंगे। अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो पूरा वीडियो सही स्टार्ट आपके सामने आ जाहिर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना डैमेज के, है तो गो। खेसारी लाल का आशिक सॉन्ग, लुक तो बहुत ज़बरदस्त है विद लोकेशन, सिंगर खेसारी लाल एंड प्रियंका सिंह। ये एक्ट्रेस का नाम नहीं लिखते कभी भी, सिंगर का ही लिखते हमेशा। हम पे ना गड़ा पा नजर, दाता आ जाए बाबू कहर, मुझे तो लग रहा है वहीं से हायर कर ली इन्होंने। हम पे ना गड़ा पा नजर, दाता आ जाए बाबू कहर, हमरा अदा पे फिदा बट सुना सारा के सारा शहर, हिल जाए जिगर देख तेरी फिगर ऊपर से ये कातिल उमर। ओ रियली, ओ मैडम जाती हो किधर कि तेरा आशिक है इधर, जरा सा फेर दो नजर अपना होता है सब। ये म्यूजिक को सुना सुना सा लग रहा है, तेरे जैसे इंस्पायर्ड होगा भाई। देखे आशिक दो टकिया, मुझसे मिलेगा ना कोई, मुझको बना लो पिया, तेरे जैसे बहुत है देखे आशिक दो टकिया, हाँ मुझसे मिलेगा ना कोई, मुझको बना लो पिया, मन सोला उठे बेबी जब तू चले लचका के पतली कमर, ओ मैडम जाती हो किधर कि तेरा आशिक है इधर, जरा सा फेर दो नजर अपना होता है सब, मैच हो ही न कब हमसे लेबल सुन तो हर, दुनिया दीवानी खेसारी की है क्यों बनती है तू बेखबर, मैच हो ही न कब हमसे लेबल सुन तो हर, दुनिया दीवानी खेसारी की है क्यों बनती है तू बेखबर, खता हूँ मैं कसम मान ले तू सनम प्यार में छोड़ू ना कोई कसर, ओ मैडम जाती हो किधर कि तेरा आशिक है इधर, जरा सा फेर दो नजर अपना होता है सब, क्या बात है। सॉन्ग तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये सॉन्ग अरमानिया में शूट हुआ है ना? कहाँ पे अरमानिया, कहाँ पे बोला था? हाँ कुछ ऐसे ही जगह पे शूट हुआ है, लोकेशन कोई बट जो लोकेशन इन्होंने इस्तेमाल किए, इस तरह की लोकेशन हिंदुस्तान में भी शूट हो सकती थी, मिल सकती थी। नहीं बट यार वो जाना वहाँ पे और नाम होना कि इस गाने को वहाँ शूट किया, वो नाम ही काफ़ी है, वो वाला है। लेकिन हाँ जिस बट मैं रेहान की इस बात से एग्री हूँ, जैसे ऐसा सेट सामने उन्होंने शूट करा तो वो घर के सामने इस तरह का शूट कहीं भी हो सकता है, ऐसा सेट जो है इसके अंदर वो सेट तो कहीं भी होता है। लोकेशन का मतलब ये होता है अगर वहाँ गए हैं तो उस जगह की लोकेशन का यूज करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता आई थिंक। बट ठीक है, जैसा देखा जाए कि नाम ही बहुत है कि विदेश में शूट किया है, मॉडल सारी विदेशी थी तो वहाँ पे भी खर्चा तो लगता है ना, कार सारी विदेशी थी, फॉरेनर जो कारें थी वो अगर देखें अपन तो भी सब बाहर की थी। बट वो घर वाला जो लोकेशन है ना वो कहीं ना कहीं घर नहीं था, वो वहाँ के कोई कुछ बिल्डिंग विख्यात जगह है, वो कोई म्यूजियम टाइप लग रहा था मुझे उसके सामने शूट करा है, तो वो है। बाकी गाना कैसा लगा? गाना तो A1, गाना A1 था ना, A1। लोकेशन छोड़ दे तू अभी, गाने पे आ। गाना तो अच्छा, गाना सुपर्ब है और एक्ट्रेस भी बहुत सुपर्ब थी। इनका नाम क्या ये लिखना चाहिए था यार, मुझे तो एक्ट्रेस नाम कभी नहीं लिखते हैं ये।
हाँ यार मैंने वही सोचा इतिहास की जर्मनी में शूट हुआ है भाई, और अरमानिया, जर्मनी और अरमानिया में शूट हुआ है ये सॉन्ग, दो जगहों पे शूट हुआ है। और जो सिंगर का ही नाम, फीमेल मॉडल थी उनका नाम था मरियम डेवटियान, मतलब वहीं की थी शायद, हो सकता है, हो सकता है जर्मनी की हो, मई की हो, पॉसिबल है ये जर्मनी में शूट हुआ है, इंडियन ही हो वो, लेकिन मई की होगी, हाँ ये भी हो सकता है। खैर मज़ा आया देखने में हमें, लोकेशंस तो ठीक है, हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली, जिस जगह का नाम जर्मनी है तो जर्मनी में इतनी सारी जगह हैं, कुछ अच्छी जगहें भी दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि गए थोड़ा पैसा खर्चा करा है तो फिर लोकेशन का भी फ़ायदा उठाओ, लेकिन हो सकता है परमिशन का इशू आया हो, और लोग पता ही ना सब दूर कोरोना का अलग वहम चल वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कोरोना काल, तो उसका भी इशू होगा, तो हो सकता है वहाँ के पब्लिक ने या लोकल अथॉरिटी ने ज़्यादा परमिशन नहीं दी हो, तो जो जो मिला उनको उनको उस जगह पे उन्होंने शूट कर लिया। सो हमें अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा, आपको इस गाने की सबसे अच्छी बात कौन से लगी? इस गाने में हमें सबसे अच्छी बात लगी इसके लिरिक्स, एक तो हिंदी थे, फिर दूसरी बात ज़्यादा ढोल धमाका नहीं था तो समझ में आए, क्योंकि खेसारी लाल के गाने में ये देखा है कि बहुत ज़्यादा ऑटोट्यून का यूज़ किया जाता है, जिससे उनका गाना की जो उनकी ओरिजिनल वॉइस है वो नहीं आती है, लेकिन इस गाने में उनकी ओरिजिनल वॉइस बहुत कमाल लग रही है। सो आई अप्रिशिएट दिस सॉन्ग कि बहुत ही कमाल का गाया है यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने, अलॉन्ग विथ उनके साथ में प्रियंका सिंह ने भी अच्छा गाया है। बिल्कुल, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।